उसको मार नहीं पाया? मतलब हार गया आपका हीरो? हार गया। अब क्या करेगा आपका हीरो? विल ही गिव अप? घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। What do you mean? पेज 128। बड़ी मुश्किल से एक कविता लिखी है, पढ़िए। गेट लॉक कर दिया, सब लोगों को बुला लिया, किसी को भी अंदर मत आने देना। वो इतनी आसानी से नहीं मारेगा, गोली मार के विधानसभा के सामने लटका देगा। एक गन अंदर ले जाने के लिए इतनी भेजा फोड़ी की, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पूरी फौज थी। आधे से ज्यादा लोग जो गन लिए हुए थे, मुझे लग रहा था वो हमारे लोग हैं जिन्हें हम अपना समझ रहे थे। बम्बई वाला किधर है? अंदर है। मुझे लगा कि उसे मार सकते हैं, सोचा था उसे मार कर ये जगह हमारी होगी। अब तो अपने ही स्वर को नर्क बना चुके हैं, उस दुनिया को पाने के लालच में। दुनिया उसने हमें क्यों छोड़ दिया? पावर, वो हमें जब चाहे तब मार सकता है, लेकिन वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने आया था। वो बस अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहा है। टाइम बहुत कम है हमारे पास। अगर गरुड़ा अभी नहीं मरा तो हम सब पक्का मारे जाएंगे। क्या मतलब? अब वहां पर जाओगे? उस जगह पर, उन लोगों के बीच? उस नर्क में कोई जा सकता है क्या? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हमारी जो हालत करके गया है वो, उसके बाद हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। अग्नि के भय से ज्वलनशील, खौलते उबलते बिखरे उल्का पिंड। आगे का तो शायद जल गया है। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। जिसे मारने के लिए मुझे बुलाया था उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। वो जगह जहां भी हो, जैसी भी हो, उसे वहीं जाके मारूंगा। लहरें इंतजार कर रही हैं धरती चूमने के लिए। सूरज इंतजार कर रहा है डूबने के लिए। बिजली की बारात खड़ी है विद्रोह के लिए। किस्मत भी कांप रही है।